सुबह सुबह का वक्त है, अभी 5:30 हो रहे हैं। हम ज़रा गांव आए थे कल शाम को और अभी जा रहे हैं वापस शहर। गुड बाय घर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा होता है सुबह। आप पीछे मुर्गों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। कहते हैं ना कि मुर्गा इंसान को सुबह उठाता है। सो गांव में आकर ये चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, मुर्गा। और एक कुछ फूल पौधे हमने लगाए थे, हालांकि इनके भी कटिंग होने को बाकी है। जब हम आएंगे थोड़े टाइम बाद कुछ दिनों के लिए गांव, तब प्रॉपरली सब होगा। और ये नीचे खेत वेत सब है। एक तरफ भी चांद भी है और सूरज की हल्की हल्की लालगी भी है। यहाँ से अभी सूरज निकलने को है, अभी चलते हैं। ये कद्दू, पंपकिन बोले तो इंग्लिश। खेत में भी मक्की थी और मक्की अभी निकाल दी गई है। इसे ट्रेडिशनल ओल्ड होम्स देखिए, वहां से सूरज अभी निकलने को है। एक तरफ चांद है और एक तरफ सूरज ऑलमोस्ट निकलने को है, और नीचे ये हसीन नज़ारा। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एक्चुअली अभी हम कल आए थे गांव, छोटा सा काम था एक, उसको निपटाने आए थे। और आज सुबह 5:30 या 6:45 के आसपास का भी टाइम है। अभी हम वापस जा रहे हैं शहर की तरफ। और थोड़ा सा ना ये सुबह का जो वाइब है अभी, ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। मतलब यहाँ का एयर काफ़ी फ्रेश है और आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। मतलब क्वाइट गुड इनफ है ना। एक तरफ चांद जा रहा है, सूरज आ रहा है, मुर्गे इंसान को उठा रहे हैं। मतलब एक सिंपल प्लस सुपर प्लस नेचर के साथ कनेक्टेड रहने का काफ़ी अच्छा एक समय है इस टाइम। अभी तो हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी से हमारा घर तक तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है पैदल। वो ज़्यादा भी दूर नहीं है, थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। अभी मक्की का सीज़न ऑफ हुआ है, मतलब काट के हो गई है, तो लोग ऐसे इन्हें छत पर रख देते हैं सूखने के लिए। फिर बाद में दाने अलग करके इनको पिसवा के इनका आटा बनाया जाता है। गाँव में क्या होता है कि आप किसी भी अभी घर के छत पे देख लोगे, आपको बस मक्की ही दिखेगी, मक्की मक्की, क्योंकि अभी मक्की का सीज़न चल रहा है। तो हर घर के छत पे आपको मक्की ही दिखेगी सूखने के लिए। हम सड़क पर पहुँच के, गाड़ी आज थोड़ा सा आगे लगी थी छाया में। दिस मच क्रैश, ट्रक वाले ने उधर से ओवरटेक किया जब आगे से गाड़ी है, तो ये पूरा इसमें घुसा दिया। एंड इतना क्रैश हो चुकी है गाड़ी फिलहाल के लिए। आई जस्ट पार्क्ड इट ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार का नुकसान। ऐसे लगी गाड़ी, पापा बताओ ज़रा। गाड़ी वाले ओवरटेक कर रहा था। तो कैसे, तो मतलब पिछली साइड की लगी फिर?